बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल के तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ रहा करते थे। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते और हमेशा साथ रहते। जब भी कोई संकट आता तो तीनों साथ मिलकर लड़ते। एक दिन नदी के किनारे एक मछुआरा जा रहा था। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, मैं कल सुबह यहाँ आऊँगा और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाऊँगा। मेंढक ने मछुआरे की सारी बातें सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने मछलियों को मछुआरों की सारी बात बताई। एक मछली ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी मछली कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को उन दोनों मछलियों पर भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरा सुबह तक आ जाएगा। इस पर मछली ने कहा, मुझे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। तो दूसरी मछली ने भी कहा, मुझे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपने साथियों के साथ दूसरे तालाब में चला गया। दोनों मछलियों ने मेंढक का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरा अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचा। उसने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं। उन दोनों मछलियों ने भी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरे ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों मछलियों का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि उन दोनों मछलियों को कंधे पर उठाकर चला जा रहा था। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुंचा, तो मेंढक की नजर उन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हालत देख बहुत दुख हुआ। उसने अपने साथी से कहा, काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। सागर के अथाह जल में मछलियाँ, सांप, केकड़े, ऑक्टोपस और समुद्री घोड़े जैसे अनेक प्रकार के जीव रहते थे। उन्हीं जीवों में कई अजीबोगरीब जीव भी थे, जैसे लाल सांप, कांटे वाली मछली, बिजली वाली मछली इत्यादि इत्यादि। इन सब के बीच एक अंगार मछली भी थी। वो मछली क्या, पूरी भड़कती आग ही आग थी। उसे देखते ही सब चौंक जाते थे, क्योंकि पानी के अंदर भी उसके शरीर से लाल पीले रंग की आग निकलती रहती थी। उसे देखकर सभी अक्सर डर भी जाते थे। अंगार मछली जिस तरफ जाती थी, शरीर और मुंह से आग बरसाती। वो सबसे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सभी आग से डर जाते थे। उसके सामने आने से इधर उधर भाग जाते थे। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों से मित्रता करना चाहती हूँ।
खेलना चाहती हूँ। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। छोटी मछली बोली, अरे बाप रे, मैं आग से बहुत डरती हूँ। मैं आग से दोस्ती नहीं कर सकती, आग के साथ खेल भी नहीं सकती। अंगार मछली ने सबको अपनाना चाहा, लेकिन उसकी शारीरिक आग के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। अंगार मछली दुखी होकर आगे बढ़ गई। उसके रास्ते में एक समुद्री घोड़ा आया और ऑक्टोपस भी आ गया। अंगार मछली ने मुंह से आग निकाली। समुद्री घोड़ा आश्चर्य से देखने लगा। उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि कोई जादू हो रहा है। ये आग तो बचपन से ही मेरे शरीर पे जुड़ी हुई है। मैं किसी के ऊपर आग फेंकना नहीं चाहती, लेकिन आग अपने आप ही मुंह से निकल जाती है। आग वाली मछली, मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर ही रहना, मैं जल जाऊंगा। जल गया तो घर कैसे जाऊंगा। एक काला केकड़ा अंगार मछली के पास आ गया। अरे मछली, ये कौन सा जादू दिखा रही हो? पानी में आग लगा रही हो? ये जादू तुमने कहां से सीखा? मुझे भी सिखा दो, मैं सबको डराऊंगा, खूब नचाऊंगा। अंगार मछली किसी को समझा नहीं पाई कि वो जादू नहीं सच्चाई है। वो निराश होकर आगे बढ़ गई। वो तैरती हुई बहुत दूर निकल गई। उसे रास्ते में एक लाल रंग की मछली दिखाई पड़ी। वो मजे से तैर रही थी। इतने में एक भयानक समुद्री सांप आया और उसने उसे मारना चाहा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम नहीं माने तो मैं आग वाली मछली को बता दूंगी, वह तुम्हें जला देगी। एक अंगुल की मछली मुझे डरा रही है, तुझे जिंदा खा जाऊंगा। सांप आगे बढ़कर मछली को खाना चाहता था। इतने में एक इलेक्ट्रिक वाली मछली आ गई और उसने इलेक्ट्रिक का जोरदार झटका सांप को दे दिया। और सांप बड़ी जोर से चिल्लाया और भागता हुआ नजर आया। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बिजली का करंट है, अब किसकी मजाल जो तुमसे लड़ाई करे। बिजली वाली मछली बोली, तुम भी तो आग का एक जीता जागता गोला हो, तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। एक बात बताओ, क्या यह आग हमेशा तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, जब देखो मैं जलती हुई ही मिलूंगी। मेरा कोई साथी भी नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? बिजली वाली मछली बोली, जरूर, मैं अभी इसी वक्त तुमको अपना दोस्त बना रही हूँ। अंगार मछली बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बिजली वाली मछली। एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि मेरे शरीर में जलने वाली यह आग कब बुझेगी। भगवान हर किसी की पुकार सुनते हैं, यह आग भी एक ना एक दिन बुझ जाएगी। हमें एक काम करना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर सभी जीव जंतुओं से प्यास से पेश आएं और उन्हें हर मुसीबत से बचाएं। हमारे सागर की दुनिया में कोई किसी पर अन्याय ना कर पाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, सबकी रक्षा भी करनी है। मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी यही चाहती हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, और जो औरों के लिए जिए, औरों की सेवा करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उसका जीवन सचमुच सार्थक है। सागर में जब कहीं कोई मुसीबत में फंस जाता या अत्याचार का शिकार होता तो ये दोनों मछलियाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाती थी। अंगार मछली अपनी इस आग से परेशान हो चुकी थी। हर वक्त उसका शरीर आग का गोला बना रहता था। वो सबकी मदद करती थी, सबकी रक्षा करती थी। वो बहुत ही दुखी होकर पानी में तैर रही थी। उसने एक जलपरी को देखा। एक व्हेल मछली जलपरी को पकड़ने आ रही थी और जलपरी उससे दूर जा रही थी। अंगार मछली को जलपरी पर दया आ गई और उसने व्हेल मछली के सामने जाकर आग उगलना शुरू कर दिया। एक मछली के मुंह से इतनी सारी आग देखकर व्हेल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। व्हेल जलपरी का पीछा छोड़कर भाग गई। जलपरी अंगार मछली के करीब आ गई। जलपरी बोली, अरे वाह, तुम्हारे पास तो आग का गोला है, इतनी बड़ी व्हेल को भगा दिया। अंगार मछली बोली, जलपरी जी, मैं इसी आग से परेशान हूँ, यह हमेशा मेरे साथ रहती है। जलपरी बोली, इसीलिए तुम सबकी रक्षा कर पाती हो, तुम सचमुच सबकी रक्षक हो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो यह आग तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हें किसी की रक्षा करनी होगी तो ये वापस आ जाएगी। उसी क्षण अंगार मछली की आग गायब हो गई और वो एक साधारण मछली बन गई। उसने जलपरी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अंगार मछली आगे बढ़ गई और अचानक उसके सामने वही व्हेल मछली आ गई। व्हेल ने जैसे ही अंगार मछली को खाने के लिए मुंह खोला, इतने में अंगार मछली के मुंह से आग निकली और एक बहुत बड़ा आग का गोला।
व्हेल डर के मारे पागल हो गई और भागने लगी। अरे भगवान बचाए इन मछलियों से, जिसे देखो वही आग का गोला बन जाती है, जलाने के लिए आ जाती है, आग लग जाएगी। अरे भागो रे, भागो भागो रे। व्हेल भागने लगी और अंगार मछली हंसने लगी।